रोटी खाए नीचे। किनसे मिले हुए हो? रणवीर बजाज। डोबरा सैंडविच बनने जा रहा है। खाने पीने का बजाज। अच्छा, साउथ गली बोल अपने बस का सेंटर गाइस। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं मानिक चौक। आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ बादशाह हजीरा अहमदाबाद। भाई आपका नाम क्या है? सुनील। बेसिकली सुनील जी ने हमें बताया मानिक चौक में सिर्फ खाने की मार्केट है, यहाँ पे कुछ घूमने लायक नहीं है। अगर आपको सिर्फ गोल्ड लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? पूरे अहमदाबाद का सेंटर पॉइंट, जैसे हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस है वैसे यहाँ पे ही है। अच्छा, तुम्हारे दिल्ली में चांदनी चौक का बाजार है, ऐसा ही मानिक चौक का खाने पीने का बाजार है। अच्छा, खाऊ गली बोलते हैं। खाऊ गली? हाँ, खाऊ गली। खाऊ गली चांदनी चौक में परोठा गली है, खाने पीने की गली है। ओके, डोसा है, भाजी पाव है, सैंडविच है, पिज्जा। आप बताओ सबसे अच्छा क्या है? कुल्फी, रबड़ी कुल्फी। यहाँ सबसे अच्छा, यहाँ से बढ़िया यहाँ पे मिलता है घोटाला डोसा। घोटाला डोसा? हाँ, उसमें क्या कुछ नया सुना है? होती है उसमें चीज होता है और बटर भी होता है और उसके अंदर पनीर होता है। डोसा अलग होता है, सब्जी होती है डोसा में मिक्स। कौन सा अच्छा है? घोटाला डोसा बहुत हेवी आता है, एक आदमी खा नहीं पाता है। अच्छा, ये भी है। और दूसरी बात, यहाँ की पाइनएप्पल सैंडविच है, कैडबरी सैंडविच है, आइसक्रीम सैंडविच है, कुल्फी सैंडविच है, रबड़ी सैंडविच है। और यहाँ की बहुत बढ़िया रबड़ी कुल्फी है, मटका कुल्फी। अच्छा, नहीं मटका कुल्फी हमने ट्राई करी थी अभी दो दिन पहले। तो चलो, इतना सब कुछ सुन लिया है, कुछ ट्राई करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोनू। सोनू जी, सोनू जी हमारे लिए सैंडविच बना रहे हैं। कौन सा सैंडविच बना रहे हैं सोनू जी? हम घुघरा। घुघरा? घुघरा, घुघरा, घुघरा सैंडविच बनने जा रहा है, तो देखते हैं। बटर, ये क्या जंबो सैंडविच होता है? नॉर्मल होगा। ये चटनी पुदीने वाली है? ये एक सैंडविच है, जंबो नहीं है, फिर भी हैवी हो जाएगा। देर रखना होता है, हमें 2 मिनट में हो जाता है। बेसिकली हमारा सैंडविच हो चुका है रेडी। सैंडविच रेडी है, घुघरा सैंडविच रेडी है। तो चलो ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं घुघरा सैंडविच कैसा होता है। मजा आ गया। जब से मैं अहमदाबाद आया हूँ मैं एक ही टेस्ट ढूंढ रहा था, चटपटा टेस्ट, न ज्यादा स्पाइसी न ज्यादा मीठा।
ये पूरा सेम है। अब मैं खा के फिर बात करता हूँ, थोड़ा इंजॉय कर लेता हूँ, बहुत ढूंढने के बाद मिला ये। तो गाइस इनका नाम है जाहिद जी, जो इस शॉप के ओनर है, और जब भी आना आप यहाँ पे ट्राई करके जाना, आई होप आपको पसंद। ज्यादा फेमस है कोकोरा सैंडविच है, एक आइसक्रीम सैंडविच है, चॉकलेट आइसक्रीम, एक पाइनएप्पल है। तो इन्होंने वैरायटी बता दी, आप आके ट्राई करके जाना, अभी रश टाइम है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू, काफी मजा आया मुझे खा के। पाइनएप्पल है ये, पाइनएप्पल आइसक्रीम चाहिए, पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच बन रहा है जो की अभी। पाइनएप्पल डाल दिया, और ये क्या लगाया था हमने नीचे, पाइनएप्पल जाम। ये पहले पाइनएप्पल जाम लगाया, उसके बाद पाइनएप्पल फ्रूट लगाया रिंग कटिंग में, और उसके बाद चीज डाला है। इसको ग्रिल नहीं करते हम, नहीं इसको ग्रिल नहीं करेंगे ना, वरना खराब हो जाएगा। वो पाइनएप्पल सैंडविच था, ये पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच है। अहमदाबाद सैंडविच पिज्जा, आप कभी भी आना ट्राई करना, काफी अच्छा पिज्जा है। सॉरी मैंने तो सैंडविच ट्राई करा था, मैंने अहमदाबाद सैंडविच पिज्जा, कभी भी आना आप ट्राई करना, आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे पसंद आया, वैसे आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ कुछ मीठा खाने के लिए, और मीठा खाने के लिए जा रहा हूँ मैं रबड़ी कुल्फी खाने। बहुत सुना है यहाँ पे रबड़ी कुल्फी के बारे में, तो वहाँ चल के अब खाते हैं। कुल्फी खानी जगह खाली थे गई मोटा भाई, बस्ती हमने कुल्फी। आप इनको शायद आपने पहले किसी वीडियो में देखा होगा। हाँ मैं यहाँ का मटका कुल्फी वाला हूँ, हमारी रबड़ी कुल्फी, मटका कुल्फी, फालूदा कुल्फी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आती है। और आप किनसे मिले हुए हो? रणवीर बरार। रणवीर बरार जो कि शेफ है, बहुत इंडियन के बहुत बड़े शेफ है, उनसे मिले हुए हैं। वो यहाँ की फालूदा कुल्फी खा गए थे, अभी उनका एक शो है ग्रेट इंडियन रसोई, अभी भी दिखाते हैं यहाँ की कुल्फी। यहाँ की कुल्फी क्या बात है। तो जब इतने बड़े शेफ यहाँ होके जा चुके हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं? वैसे भी हम खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो चलो सर कुछ अपना खिला दो सर फिर एक बार, चलो पहले ट्राई करते हैं फिर मिलते हैं। ये है इन सर की दुकान जहाँ पे रणवीर बराग जी आके होके गए हुए। अरे बस्ती राम का रबड़ी कुल्फी खिलाओ। हाँ जरूर खिलाओ। हाँ जी कुल्फी, ये रबड़ी कुल्फी है, काफी हैवी नहीं हो जाएगी सर? ज्यादा हैवी नहीं होती है, 125 ग्राम की कुल्फी ले रहा हूं। पूरा पीस है कि ये पूरा पीस 250 ग्राम का आता है? ओके इसमें से मैं आपको सिर्फ हाथ दे रहा हूं, आप ही दे दोगे, आप ही दे आप ही पाऊं हमें, मैं आप ही दूंगा, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं खाऊंगा। ओके सर फिट केसर का टेस्ट दे रहा हूं आपको। ओके ठीक है, और विद रबड़ी, विद रबड़ी आओ, ये रेडी, ये मेरा बस्तीराम स्पेशल रबड़ी कुल्फी। ओके क्या नाम बताया सर आपने? जय जी ने हमें रबड़ी कुल्फी खिलाई है, यहाँ की जो फेमस है, जैसे भी मैंने बेस्ट है इनकी। तो अब चलो खा के हम भी देखते हैं, और आई होप बेस्ट ही होगी यार, जब इतने बड़े शेफ यहाँ होके चले गए तो हमारी क्या है, हम भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, ऐसी किसी ने तारीफ नहीं करी, काफी अच्छा है और मजा आया खा के। तो चलो मैं इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ बस आपको 10 मिनट बाद। सो गाइस मानिक चौक इज डन, मानिक चौक हम घूम के आ गए, मानिक चौक हमने देख लिया क्या है क्या, और एक ही चीज निकलती है मानिक चौक के लिए आज के बाद, बेस्ट है भाई मानिक चौक। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो आपको मस्ट है, जरूरी है, लिख लो मानिक चौक जाना ही जाना है। मानिक चौक क्या है, एक तरफ से देखा जाए आपको हेरिटेज भी है, वहाँ पे दो हेरिटेजेस है अलग अलग, एक रानी का है एक बादशाह का, मैंने वीडियो में डाल रखा आप देख लेना, तो वहाँ पे जाके आप उसको भी ट्राई। रानी वाले में लेडीज का सामान था, बादशाह वाले में मैं ज्यादा अंदर गया नहीं, मैं गेट से ही बाहर आ गया था कि अंधेरा अंधेरा रखा था, तो मुझे लगा
बंद हुआ, तो दैट्स व्हाई मैं अंदर गया नहीं। बस इतना ही मानिक चौक हमने देखा और आपने भी देखा मेरे साथ। रात हो गई थी तो मेरे को कुछ ज्यादा देखने के लिए मिला नहीं, बट जितना देखा एक्सपीरियंस जितना था बेस्ट था। बट यही है कि अहमदाबाद आना है, फिर से आना है और टाइम निकाल सही से घूम के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एनकेवी व्लॉग्स। बाकी सब बढ़िया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए एनकेवी व्लॉग्स के साथ। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगा, बस बने रहना मेरे साथ।